5 फरवरी 2021 में केटू सर करने की कोशिश के दौरान जिंदगी की बाजी हार जाने वाले आइसलैंड के कोहपैमा जॉन स्नोरी की फैमिली उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने और अफवाजे पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने पाकिस्तान पहुंचे, जहां अहम आला शख्सियात से मुलाकात की। जॉन स्नोरी फैमिली की दौरे पाकिस्तान के मौके पर जहां अहम शख्सियात से मुलाकातें हुईं, वहीं उन्होंने लैंड ऑफ पीस बल्तिस्तान का भी दौरा किया। जॉन स्नोरी का खानदान हादसे के 2 साल बाद उनकी यादें समेटे स्कर्दू पहुंचा, जहां उन्होंने अली सतपारा के खानदान से भी मुलाकात की और केटू के बेस कैंप का भी दौरा किया। जॉन स्नोरी की फैमिली ने बल्तिस्तान के मशहूर तफरीही मुकामात का भी दौरा किया, जहां वो कुदरती हुस्न फितरत से खूब महसूस हुए। हुसैनी चौक पर जॉन स्नोरी और उनके साथियों के नाम पर बनाई जाने वाली कलमी तस्वीर वाली जगह का भी दौरा किया। शमे रोशन करने की दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। स्कर्दू शहर के मशहूर आर्टिस्ट मोहम्मद अफजल ने मेहमानों को स्कर्दू के अवाम की जानिब से तीनों कोहपैमाओं की हाथ से बनी तस्वीर का तोहफा दिया। सुनो FM से बातचीत करते हुए जॉन स्नोरी की बीवी ने मुश्किल तरीन हालात में तावुन करने पर पाकिस्तानी इदारों और अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। How do you feel visiting in Pakistan? I love Pakistan. We've all felt so welcoming by your nation. Everybody is so nice and willingly to help us. In Gilgit-Baltistan, your favorite spots? Well, I probably need to see more places, but at the moment, the base camp is my favorite place because Yon is there. What do you want to like? Nation of Pakistan, Army of Pakistan, and GB peoples? How thankful I am actually for everything that you've done for us. The Fearless Five, your army rescue me. I met them today. Actually, it's amazing force, the Air Force you have. They are very brave men because it's really difficult, as I know, to fly the helicopters at this height and into those valleys because they are so isolated. So you have to be a strong and brave man to be in such a department.